क्या आप जानते हो कि वैसे तो बहुत से मंत्र हैं जो किसी की भी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स को बस यूं ही दूर कर सकते हैं, लेकिन इन सब में भगवान शिव का यह मंत्र ओम नमः शिवाय कुछ खास ही महत्व रखता है, क्योंकि यह एक साथ उन सारी चीजों को बैलेंस करना शुरू कर देता है जिनकी वजह से किसी को कोई शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम घेरे रखती है। लेकिन यह सब काम यह मंत्र कैसे करता है, चलिए उसको भी आज थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। इसलिए अब अगर इस मंत्र की बात करें तो यह पांच अक्षरी मंत्र कहलाता है, जो कि पांच अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिनको पांच साउंड भी कह सकते हैं, और यही पांच अक्षर इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, जिसमें इस मंत्र की पहली साउंड ने एलिमेंट अर्थ या पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका संबंध आपके मूलाधार चक्र से है। और जब कोई इस साउंड को बार बार दोहराता है तो उसका मूलाधार चक्र पूरी तरह से बैलेंस और क्लीन होना शुरू हो जाता है, और जो भी बेनिफिट्स किसी को मूलाधार चक्र के बैलेंस होने पर मिलते हैं वे भी सारे के सारे मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ही किसी को बॉडी के लेवल पर बहुत ही ज्यादा फायदे होने शुरू हो जाते हैं। और अब अगर दूसरी साउंड की बात करें तो यह मैं साउंड होती है, जिसका संबंध वाटर एलिमेंट से होता है, और साथ ही इसका संबंध स्वादिष्ठाना चक्र से भी होता है, जिसके कारण इस साउंड को बार बार बोलने से किसी का यह चक्र भी क्लीन और बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और जितनी भी मानसिक परेशानियां किसी को होती है वे भी सारी की सारी इसकी मदद से दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का सीधा संबंध इंसान की क्रिएटिविटी और इमोशंस से होता है, जो कि पूरी तरह से बैलेंस होने इसके बाद शुरू हो जाते हैं। और अब अगर तीसरी साउंड की बात करें तो यह शय या शी साउंड होती है, जिसका संबंध फायर एलिमेंट से होता है, और साथ ही इसका संबंध तीसरे चक्र मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सस से होता है, जिसका संबंध किसी भी इंसान के पैशन एटीट्यूड आदि से संबंधित होता है। इसलिए जब कोई इस मंत्र के जरिए साउंड को बार बार रिपीट करने लगता है तो उसको उसका पैशन बहुत ही जल्दी मिल जाता है, और उसके बाद तो उसकी लाइफ ही पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसको बिल्कुल क्लियर पता चलने लगता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, और यहीं से इस मंत्र का चमत्कार किसी की लाइफ में बिल्कुल क्लियर तौर पर दिखना शुरू हो जाता है। और अब अगर चौथी साउंड की बात करें तो यह वह या वा की साउंड होती है, जिसका संबंध एयर एलिमेंट से होता है, और शायद इसीलिए एयर का नाम वायु भी रखा गया होगा, और इसका संबंध हमारे शरीर के चौथे नंबर के चक्र हार्ट चक्र से होता है, और जब कोई इस साउंड का बार बार उच्चारण करने लगता है तो उसका हार्ट चक्र भी पूरी तरह से क्लियर और बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण ही इंसान के अंदर के वे सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं जिनकी उसको जरूरत ही नहीं होती है, और उसकी जगह वे सारे पॉजिटिव इमोशंस ही हावी होने लगते हैं, जिनके कारण ही इंसान की लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव वे में चेंज होने लगती है। और साथ ही जब यह सब किसी के साथ होने लगता है तो भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि वह बड़ी ही आसानी से अपना पीछा और मुसीबतों से छुड़ा पाने में कामयाब हो जाता है, जिनको वह लाख कोशिश करने के बाद भी अपने से दूर ही नहीं कर पा रहा होता है। और अब अगर पांचवी साउंड की बात करें तो यह की साउंड होती है, जिसका संबंध ईथर या आकाश तत्व से होता है, और इसका संबंध हमारे पांचवें चक्र विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र से होता है। इसलिए जब भी कोई इस मंत्र की मदद से इस साउंड का उच्चारण बार बार करने लगता है तो उसका यह पांचवा चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण ही इंसान के अंदर बहुत सी साइकिक पावर पाने की जमीन पूरी तरह से तैयार होने लगती है, और उसकी बोली गई बातें भी सच होने लगती है, क्योंकि वह इस टाइम इस यूनिवर्स से पूरी तरह से तालमेल बिठाने में कामयाब होने लगता है। और रही बात इस पांच अक्षरी मंत्र से पहले जुड़े ओम की, तो यह ओम का संबंध हमारे छठे चक्र अजना चक्र या आज्ञा चक्र या थर्ड आई से ही होता है, जो किसी की भी तीसरी आंख को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है, जिसके जुड़ते ही यह मंत्र भी पूरा हो जाता है, और इंसान के सारे चक्र और एलिमेंट्स का भी बैलेंस होना पूरी तरह से तय हो जाता है, और इसी कारण से इस मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक साथ ही सारी की सारी जरूरी चीजों को एक्टिवेट और बैलेंस करने का काम करता है। और रही बात इस मंत्र के यूज करने की, तो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का यूज किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकता है, क्योंकि यह मंत्र किसी की केवल एक इच्छा ही नहीं सारी इच्छाओं को पूरी करने का माध्यम बन जाता है, क्योंकि यह मंत्र इस तरह की चेतना डेवलप करने का काम करता है, जिसके कारण कोई बड़ा ही क्लियर तरीके से कुछ भी सोच और समझ पाता है, क्योंकि इस मंत्र के कारण आप भगवान शिव के बहुत ही करीब चले जाते हो, और इसी कारण से आपके अंदर बहुत ही कीमती चेंज होने लगते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो देखा जाए तो यह मंत्र किसी को कुछ भी दे सकने की हिम्मत रखता है। जैसे कोई अगर बीमार है तो जब उसके सारे एलिमेंट्स और चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी बीमारी खुद पे खुद ही सही होने लगती है,
और रही बात कुछ और पाने की, तो जब इस मंत्र की वजह से ही किसी की तीसरी आंख एक्टिवेट होने लगती है तो उसको किसी चीज को कैसे पाना है उसका भी रास्ता बड़ी आसानी से दिखाई देने लगता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों भगवान शिव के इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है और क्यों ये इतना कीमती है।